हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, रियलमी 3 प्रो में जो नया अपडेट आया है A15 का, वहाँ पर आपको इनबिल्ट रियलमी का खुद का थीम स्टोर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, मैंने भी ये अपडेट किया और मेरे डिवाइस में भी रियलमी थीम स्टोर आ तो गया, लेकिन वहाँ पर थीम्स अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। मैंने आपको रिव्यू वीडियो में बताया था कि अप्लाई होना मुश्किल है और बहुतों का भी नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे कमेंट्स आए वीडियो के नीचे, भाई बंधुओं ने कहा कि सर आप जो है यहाँ पर अपना डेटा वाइप कर लो, मतलब फ़ोन को रीसेट कर लो या फॉर्मेट कर लो, तो उसके बाद जो है ये काम करने लगेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंस्टॉल नहीं हो पा रही है। अभी भी मैंने अपना जो है डिवाइस यहाँ पर रीसेट किया नहीं है, तो मैं यहाँ पर लाइव आपको यहाँ पर डिवाइस जो है फॉर्मेट या रीसेट करके बताऊँगा, और उसके बाद देखेंगे कि जो थीम स्टोर यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं, ताकि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही हो तो आप भी ऐसा कर पाओ। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह से, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और इस वीडियो को आखिर तक देखना, आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो पूरा देखना। अब रीसेट या फॉर्मेट करने से पहले सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, अपने डेटा का बैकअप ज़रूर ले लीजिए। आपको सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, फिर रीसेट एंड बैकअप करके ऑप्शन है, वहाँ पर क्रिएट न्यू बैकअप कर लो। आपका जो कॉल लॉक है, जो मैसेजेस है, वो भी सारे डिलीट हो जाएंगे, तो उसका बैकअप एटलीस्ट ले लो, और ऐप का भी बैकअप लेना चाहते हो तो ले लो। और एक बात ध्यान में रखना कि बैकअप लेने के बाद वो इंटरनल स्टोरेज में क्रिएट हो जाएगी एक फ़ोल्डर बैकअप करके, उसे हटा के रखना अपने एसडी कार्ड में, क्योंकि वो भी डिलीट हो जाएगा जब फॉर्मेट करोगे। बाद में उस फोल्डर को कॉपी करके लेके आ जाना फिर इंटरनल स्टोरेज में, और बैकअप में ही जाके रिस्टोर कर सकते हैं। अब वहीं पर आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लियर ऑल डेटा करके जो ऑप्शन है, उसमें आपका फ़ोन जो है यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा, या हार्ड रीसेट कह सकते हो। तो क्लियर ऑल डेटा, ये जो ऑप्शन है, आपको पूरी तरह से फॉर्मेट करने के लिए इसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड है, कुछ भी है, उसे डालना पड़ेगा, और आपका फ़ोन यहाँ पर रीस्टार्ट या फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आउट ऑफ द बॉक्स जैसे फ़ोन को सेट करते हो, उस तरह से जो है फ़ोन को फिर से सेट कर लेना। मैंने यहाँ पर लगभग कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो मैं यहाँ पर देखूँगा वो है कि थीम स्टोर काम कर रही है कि नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर काम कर गई, आपका भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 100% आपका भी रीसेट कर लोगे तो यहाँ पर काम करने लगेगी। तो यहाँ पर कोई भी थीम जो है, यहाँ पर पहले कोई सा भी यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड तो पहले भी हो रही थी लेकिन अप्लाई नहीं हो रही थी, तो अभी देखेंगे, अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ है कि यहाँ पर ये हम सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि लॉक स्क्रीन आइकन और होम स्क्रीन वॉलपेपर वाली ये ऑप्शंस आ चुकी हैं, और अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और जी हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, और जैसा कि आप देख पा रहे हो, अप्लाई हो भी चुका है। तो बहुत कोशिशों के बाद यहाँ पर फाइनली जो है थीम स्टोर हमारे डिवाइस में काम कर रहा है। और आपको भी अगर इस तरह से इश्यूज आ रही थी थीम स्टोर को लेके अपने डिवाइस में, तो अब जो है अपने डिवाइस को आप एक बार जो है फॉर्मेट कर लो, रीसेट कर लो, अपने डिवाइस का जो है बैकअप ज़रूर ले लेना, और उसके बाद इस तरह से जो है आप थीम स्टोर भी अप्लाई कर पाओगे। और बहुतों को जो है बैटरी ड्रेनिंग की भी इशू आ रही थी, तो एक बार फॉर्मेट कर लेना जो है यहाँ पर बनता है, ताकि यहाँ पर आपका डिवाइस अच्छी तरह से काम भी कर पाए। तो एक दो थीम हमने और भी यहाँ पर अप्लाई करके, मतलब डाउनलोड करके यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की है, जो कि यहाँ पर ठीक ठाक काम भी कर रहा है। वीडियो के आखिर में मेरे पास एक सरप्राइज़ एलिमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो मैं यहाँ पर एक थर्ड पार्टी थीम अप्लाई करके बताऊँगा, और ये जो थीम अप्लाई करूँगा ये आपको रियलमी थीम स्टोर में नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर OnePlus 6T इंस्पायर्ड थीम, थर्ड पार्टी थीम जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है रियलमी 3 प्रो में। और आप देखोगे कि OnePlus की तरह आइकन पैक आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपको जो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए। और आपको इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है कि आप ये वीडियो देखना चाहते हो कैसे, मैंने यहाँ पर OnePlus 6T का जो थीम है उसे कैसे अप्लाई किया। आपको ये वीडियो देखना है, आप कमेंट करके हमें इस वीडियो के नीचे बताइए। इस वीडियो को एक लाइक करें, मैं बहुत सारे थीम्स के, थर्ड पार्टी थीम्स के वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए रियलमी 3 प्रो के रिलेटेड। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।